नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर जौनपुर से। आज बेलवा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना पांडे ने अपने सहयोगी कार्यकर्त्री साथ 3 दिवसीय नवभारत मेला अंबरपुर का अवलोकन किए और नवभारत मेला के बारे में अपने साथियों को बताया। साथ में रोशनी गुप्ता, नीलम पांडे, मानसी गुप्ता, रेणु सरोज, अनीता, पूनम, खुशबू, अमृता, दीपा आदि उपस्थित थी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार चौहान की इस रिपोर्ट को। मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, मंडल अध्यक्ष बेलवा महिला मोर्चा, और ये हमारी जितनी भी हैं सब महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहनें हैं मेरी, सब हमारे साथ इस संगठन में जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ महिलाओं के उत्थान के लिए जो सरकार नई नई योजनाएं लाई हैं जागरूकता अभियान में, सभी कार्य में ये बढ़ चढ़ के योगदान देंगी। और हमारी जो आज की सरकार है वो कितना योजनाएं प्रस्तुत कर रही हैं पूरा सभी बच्चों के लिए, सभी युवाओं के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए, और गांव के अंतिम जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं अंत्योदय के माध्यम से सभी तक योजनाएं पहुंचे, सभी को उसका लाभ मिले। ये सारी योजनाओं के बारे में हमारी जो हमारी कार्यकर्ता बहनें हैं वो हमारी छात्राएँ भी हैं। मैं मालती सिंह महाविद्यालय में प्रोफेसर ज्योग्राफी की प्रोफेसर हूँ, पढ़ाती हूँ, और सारी बच्चियाँ मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। और ये लोग जैसे कि इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो हमारे देश के निर्माण में, नव भारत के निर्माण में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ हमारी ये सारी कार्यकर्ता जो हैं, जो हमारी छात्राएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो हमारे साथ बढ़ चढ़ के भाग लेंगी और नए भारत के निर्माण में पूर्ण रूप से योगी जी का, मोदी जी का साथ देंगी। तो बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। 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 ठीक है, तो आज यहाँ पे मालती सिंह महाविद्यालय के जो व्यवस्थापक हैं श्री अखिल प्रताप सिंह जी, जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, और उनके माध्यम से ये नव भारत मेले का आयोजन किया गया है। हमारी जितनी कार्यकर्ता छात्राएं हैं वो हमारे साथ मोदी जी के बचपन से लेके आज तक उन्होंने जो भी कार्य किया है, जितने अच्छे से किया है, और नए भारत के निर्माण में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, सभी से ये परिचित हुई हैं और ये जो ये जागरूक हुई हैं, ये जाके अपने गांव-गांव तक अपने बूथ के माध्यम से पूरे अपने गांव को, अपने बूथ को भगवामय करने में पूरा अपना योगदान देंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो इनके माध्यम से ही पूरा देश बदलेगा। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, धन्यवाद।